बैठक आहूत की गई थी। उस बैठक में राज्य के सुखाड़ को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई एक आदेश निर्देश दिए हैं और बैठक में कई एक विषय तय हुए हैं। इसमें पूरे राज्य में 1,00,000 कुआं का निर्माण करना, 1,00,000 तालाब का निर्माण करना, साथ ही साथ 2,000 से 2,500 करोड़ की गांव में रोजगार सृजन करने के लिए योजनाओं को लाना, साथ ही हर गांव में 5 तरह का मनरेगा से योजना लागू करना, इसी के साथ 1,00,000 रुपए जो हम लोग दुर्घटना बीमा में देते हैं, दुर्घटना में उसमें पोस्टमार्टम को आधार ना मानकर प्राथमिकी को आधार मानकर जो लोग भी हमारा दुर्घटना में मृत्यु हुई है उन लोगों को 1,00,000 रुपए तक की जो राशि है वो इमीडिएट प्रदान करना। इसी के साथ साथ जो हमारे सर्जन पेंशन योजना है वो योजना को महीने के 5 तारीख को हर बार ये करके उसमें जनता को ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ से लाभान्वित करना, और नरेगा में अच्छा पर्यटन के रोजगार, पर्यटन को भी रोजगार के अवसर में कैसे करके हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको सृजित करें, इस पर भी कार्य योजना बनाने का आदेश दिया गया है। 5,00,000 नए राशन कार्ड, 1,00,000 कुआं बोल दी, 1,00,000 कुआं का है, 1,00,000 तालाब का भी है, ठीक है। सभी विभाग को मिलकर 2,000 से 2,500 तक ग्रामीण अंचल में रोजगार सृजन करने के लिए इतने पैसा को वहां पर इन्वेस्ट करना है, करोड़ रुपया, 2,500 करोड़, ठीक है। और जो अनुग्रह राशि वगैरह देना है वो सब पर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं कि जो सुखाड़ में हमारे कृषक हैं, जो हमारे जो गरीब लोग हैं उनका पलायन नहीं हो, और जो कृषक को कैसे हम जो है कृषक को कैसे भोजन देंगे, हम हमारी जो है जानवरों को कैसे भोजन देंगे, फिर वहाँ पर पानी की किल्लत होगी तो पानी की किल्लत को कैसे दूर किया जाएगा, और कैसे जो है पानी हम वैसा पानी प्रोवाइड करें जिस पानी में आयरन कम हो, फ्लोराइड कम हो और अच्छा पानी हो, तो आदि आदि बहुत सारे विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश निर्देश दिए हैं, और उसका मैं समझता हूँ कि बहुत अक्षरशः पालन होगा, क्योंकि राज्य जो है सुखाड़ की ओर पहुँच चुका है, करीब करीब पूरा राज्य सुखाड़ की दंश को झेल रहा है, लेकिन हमारी सरकार पूरी तरीके से हमारे गरीब किसानों के साथ है, मजदूरों के साथ है, और इसी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैसे करके पशुधन को बढ़ाना है और ग्रामीण अंचलों को कैसे सुदृढ़ करना है, किस तरीके से और पशुधन देकर जो हमारे लाभुक हैं उनको किस तरीके से उनको रोजगार से जोड़ना है, किस किस तरीके से ग्रामीण अंचल से हम और रोजगार पैदा करें, आदि बहुत सारे विषय पर बातचीत हुई है, और मैं समझता हूँ कि ये सुखाड़ के उन्मूलन की दिशा में ये बहुत मील का पत्थर साबित होगा, और इससे हमारे किसानों को, हमारे गरीबों को लाभ होगा, और जो हमारे मजदूर हैं वो पलायन करने से बचेंगे, और जो हमारा ग्रामीण अंचल का जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो चुस्त दुरुस्त होगी। ये सारी चीज़ों पर बहुत गंभीरतापूर्वक बात हुई, और इसको फिर आगे जो है इस पर फिर निरंतर जो है मुख्यमंत्री जी इसको रिव्यू भी करते रहेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।